हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब शाहिद और आज की ये वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेक्टर या कार्टून स्केच टाइप बना सकते हैं अपने फ़ोन की हेल्प से, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसे वैसे वेक्टर कहते हैं या आप लोग इसे कार्टून भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी अपनी ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर बनेगा। जैसे ही आपकी पिक होगी वैसे आपको इसको बनाना पड़ेगा सेम एज़ योर फ़ोटो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसको किस तस्वीर से देखकर बनाया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा ऐप जिसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐप है जिसका नाम है डिज़ाइन। इसका जो कंप्लीट नाम है वो इन्फिनिट डिज़ाइन है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद मैं अपने कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स खोलता हूँ और आपने इमेज यहाँ से ओपन करनी है। इमेज पे क्लिक करके गैलरी में जाके आप इसमें अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। तो ये मैं एक प्रोजेक्ट खोलता हूँ जेको जी, ये बिल्कुल ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने चैन के का स्केच रेडी किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जी। तो इसकी ये मैंने जो रेडी किया है फाइनल प्रोजेक्ट ये है, और मैं आपको रियल पिक भी दिखा देता हूँ। जो तो ये रियल पिक है, ये जो पिक है ये रियल है। अब मैं आपको इस पर अपना वो इसको रिमूव कर देते हैं और शुरू करते हैं एंड से। तो ये हमारा स्केच, ये देखें, ये बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत आपको टाइम लगेगा। तो हम शुरू से करते हैं स्टार्ट। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको सारा बनाना नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक टूल्स का बता दूंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अपना प्रोजेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने रिसेंटली बनाया था। तो मैं आपको इस पर बता दूंगा इसे कैसे यूज़ करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 से 4 घंटे बन जाएगा। तो इसको कर लेते हैं डिलीट। ये देखें, ये मैंने बनाया था अपनी इस पिक्चर से देखकर, ये थी पिक्चर, इसके ऊपर मैंने एज इट इज़ ये बनाया था। ये देखें, ये बन गया, ड्रॉ किया था और ये आप देख सकते हैं, ये देखें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत कि इसको कैसे करना है और सब कुछ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जिसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये पिक ओपन कर लेते हैं, इसमें हमने इमेज पर क्लिक कर देना है और ये पिक्चर आ गई। अब इसको ओके करके अब ड्रॉ कैसे करना है, ये पेन टूल में जाना है आपने सबसे एंड पर, और इसमें से ये थर्ड वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से इसका साइज़ कम होता है, ये इसका कलर है, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और ये इसकी ओपेसिटी है, और ये सिलेक्ट कर देना। तो आपने करना है इसकी पहले आउटलाइन कर लेनी है, ये ऐसे, ये थोड़ा बड़ा है, इसका ब्रश को स्मॉल करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेंगे और ये हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये इस काम के लिए नहीं है। इसे ज़रा ये छोटी चीज़ों की आउटलाइन होती है, जैसे ये लिप्स हो गए, ये चीज़, ये ऐसी चीज़ों की, या आपका ईयर हो गया, आप इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं।
ऐसे ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो इस एजिस के लिए आपको यहाँ पर एक टूल मिल जाएगा, पेन टूल। पेन से क्या होगा कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको समझ आ ही गई होगी अगर आपने कभी एडोब फोटोशॉप यूज़ किया है। तो यहाँ पे टिक पर क्लिक करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा आप ये लेयर्स पर जा सकते हैं, यहाँ से लेयर ऐड कर सकते हैं, और ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं। फिल, ये अगर आपने एडोब में देखा हो तो ये कलर फिल करने का है। ये रिमूव का टूल है, ये डुप्लीकेट लेयर है। यहाँ से मूव, ये एडिट, ये सिलेक्ट या डी सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इस पर सिलेक्ट वो चीज़ होगी जो आपने ड्रॉ की है। देखें ये लिप सिलेक्ट हो गए हैं और आप इसको अब एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके एडिट पर क्लिक किया, इन पर क्लिक करके ये देखें इसको आप एडिट कर सकते हैं, जो कि आपका। तो हाँ, इसी तरह आप जब आप पूरा स्केच बना लें, पहले आपने इसकी आउटलाइनिंग कर लें नीचे तरह से। आउटलाइनिंग करने के बाद आपने डिफरेंट कलर्स फिल कर देने हैं। यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे। कलर्स फिल करने के बाद ये हेयर्स वगैरह बनाने के बाद, हेयर्स मैं आपको सिखा देता हूँ जो मुश्किल काम है वो कैसे बनते हैं। तो हेयर्स आपके बनेंगे, ये पेन टूल को ख़त्म कर दें। उसके बाद आप चाहें अपने ये थर्ड वाले पेन पर जाकर आपने इसका साइज जो साइज है कम कर देना है। उसके बाद ये आपके हेयर्स, ये इसको थोड़ा और कम कर देंगे तो ये हेयर्स। मैं आपको रियल के हेयर्स बना के दिखा देता हूँ थोड़े से। ये हेयर्स बन रहे हैं हमारे, ऐसे रैंडमली आप इसको बना सकते हैं, ये देखने में सही ही लगेंगे। बाद मैं आपको इसके बाद रियल पिक्चर वर्क करके दिखा दूँगा। तो ये हमारे रियल हेयर्स हैं। ओहो, ये हमारी लेयर गलत सिलेक्ट हो गई थी। ऊपर से लेयर सिलेक्ट आपने पहले करनी है, जैसे एडोब फोटोशॉप में करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हेयर्स आपके रियल क्विक, और यहाँ से हम ये देखें रिमूव करेंगे। तो अगर आपकी फ़ोटो की आउटलाइनिंग हो गई है तो आप अच्छा सा बना सकते हैं। इसी तरह इसी ऐप से बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऐप फ्री नहीं है। ये 7 डेज़ के ट्रायल पर आपको मिल जाएगी, सिर्फ 7 दिन के लिए। उसके बाद ये आपको बाय करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस पर काम सीख जाएंगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नीचे लिंक से जाके आप डाउनलोड करते हैं कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।